नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेलेक्ट टू लर्निंग अड्डा पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज हम डिस्कस करेंगे 2019 से लेकर के 2016 तक आए हुए क्वेश्चनों पर। दोस्तों अब देखते हैं 2019 में आए हुए क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 1, हरित लवक पाया जाता है। ए ऑप्शन जंतु कोशिका में, बी ऑप्शन कवक में, सी ऑप्शन विषाणु में, डी ऑप्शन वनस्पति कोशिका में। दोस्तों आइए समझते हैं हरित लवक कहाँ पर पाया जाता है, कवक क्या होते हैं, जंतु कोशिका क्या होती है, विषाणु क्या होते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। हरित लवक वनस्पति कोशिका में और शैवालवीय कोशिकाओं में पाया जाता है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी वनस्पति ऑप्शन में रहता है या कभी शैवालवीय कोशिका रहती है। हाँ एक चीज आप ये समझ लीजिए, कभी कभी हरित लवक की जगह क्लोरोप्लास्ट लिखकर वो देता है हिंदी में, ये इंग्लिश वर्ड है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और आइए समझते हैं हरित लवक का क्या काम होता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किसमें, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं ये जंतु कोशिका में क्या होता है। केवल जंतु कोशिका में केवल कोशिकीय झिल्ली होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कवक के बारे में। फफूंद या कवक दोनों बात एक है, एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। दोस्तों इसमें आप ध्यान रखिए, ये जो आपके कवक होते हैं ये हमेशा अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। इनको हम मृत जीवी जीव भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं विषाणु के बारे में। विषाणु क्या होता है, विषाणु एक अकोशिकीय अतिसूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अम्ल से और प्रोटीन से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ये शरीर के बाहर ये तो मृत के समान होते हैं बट शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं, है ना, बड़ा कमाल का ये विषाणु जिसको हम वायरस कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पर गैस कर सकते हैं, आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल, न्यूटन, अकरमडीज, सैमुअल मॉर्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अभी आपके सामने आ जाएगा। आइए सबके बारे में पहले समझते हैं, ग्राहम बेल कौन थे। ग्राहम बेल को टेलीफोन के आविष्कार के रूप में जाना जाता है, वाह कितने अच्छे आविष्कार किए थे इन्होंने। दोस्तों आइए समझते हैं न्यूटन ने क्या किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की थी। ये भी बड़े कमाल के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे थ्योरम दिए, बहुत बड़े ये साइंटिस्ट थे। आइए बात करते हैं अकरमडीज, ये भी एक साइंटिस्ट हैं, इनके भी कुछ सिद्धांत हैं। इनके सिद्धांत को कहते हैं अकरमडीज का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई एक वस्तु पदार्थ में डूबे हुए है पूरी तरह से लेकिन अंदर नहीं है, तल के नीचे है जस्ट, तो उस समय क्या होता है कि उसका जो भार है ना उस पर जो बल लगता है ऊपर की तरफ वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे दोस्तों, आइए समझते हैं इनको एक डायग्राम से। जैसे यहां पर आपको एक एम द्रव्यमान का एक वस्तु दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक एम द्रव्यमान का एक वस्तु दिख रहा है। इस पे अगर इसका भार नीचे एम जी है तो इस वस्तु के द्वारा जितना जल हटाया गया होगा उतना ही भार का एक बल ऊपर लगता है, उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, या इंग्लिश में इसको अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ये और ये फोर्स बराबर होते हैं,
इसी को अकर्मणीज का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों एक और इन्होंने खास सिद्धांत दिया था, वो अकर्मणीज पेंच का सिद्धांत है। इनके अनुसार आप देख सकते हैं कि अगर पानी का हमें स्तर बढ़ाना हो, ठीक है, उसको हाई स्पीड में करना हो कम से कम, तो इस सिद्धांत के अनुसार हम कर सकते हैं। और सैमुअल मॉर्स ने भी बड़ा लाजवाब एक सिद्धांत दिया था या आविष्कार किया था, वो आपका टेलीग्राफ था। क्या था? टेलीग्राफ। चलिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है काजल, चंद, चारकोल, कोयला, हीरा। दोस्तों आइए समझते हैं कार्बन के क्रिस्टलीय रूप क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय रूप क्या है, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। क्रिस्टलीय कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप के जो उदाहरण है हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरेन है। दोस्तों इनको आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय रूप के बारे में। ये जो होते हैं ये आपके कोल होते हैं, कोक होते हैं, कास्ट चारकोल होता है, चंद चारकोल होता है, काजल होता है, गैस कार्बन होता है। दोस्तों आप इसको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय हर साल आते रहते हैं, कभी क्रिस्टलीय कभी अक्रिस्टलीय। तो इनमें से आप सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिए और आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर आपका क्रिस्टलीय जो रूप है वो आपका क्या है, हीरा है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन सही है। दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। द्रव की गैस से बदलने की क्रिया को कहते हैं गलनांक, वाष्पीकरण, हिमांक, संघनन। दोस्तों यहां पर हम समझते हैं द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, आपका कहलाता है वाष्पीकरण। द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं गलनांक के बारे में। पहले समझ लेते हैं हिमांक। द्रव को ठोस में बदलने की क्रिया हिमांकीकरण कहलाती है या हिमांक। आप यहां पर जानते हैं अगर आपके पास पानी है, पानी को अगर बर्फ बनाया जाए वो जो प्रोसेस होता है वो आपका क्या होता है, हिमांकीकरण होता है। जल का जमना हिमांकीकरण है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गलनांक। दोस्तों गलनांक क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, जहां पर ठोस अवस्था से पिघलकर वो द्रव अवस्था में आ जाता है। बट एक बड़ा कंडीशन है, ठोस और द्रव अवस्था के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है, साम्य अवस्था रहती है, केवल इनके स्टेट चेंज होंगे। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आगे संघनन क्या होता है। संघनन आपका वाष्पीकरण का जस्ट अपोजिट होता है। गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इनके एग्जाम्पल जो हैं, इसका प्रयोग वर्षा भी एक प्रकार का क्या है, संघनन है। क्वेश्चन नंबर पांच। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लाइस्ट्रिडियम, लैक्टोबैसिलस। दोस्तों आइए समझते हैं सभी ऑप्शन के बारे में। राइजोबियम, ये दलहनी फसलों के जड़ों में गुलाबी रंग का गांठ बनाता है। क्या बनाता है? गुलाबी रंग का गांठ होता है जी, और इन गांठों में ही राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है। इस कल्चर में खाद का प्रयोग मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, मटर, चना, मूंगफली, मसूर एवं बरसीम की फसल में करते हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा आपका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। एजोटोबैक्टर कल्चर या सूक्ष्म जीवाणु भी राइजोबियम जीवाणु की तरह वायुमंडलीय नेत्र जनन में भूम में स्थापित करता है। बट इसमें बड़ा एक कंडीशन है, वो क्या है,
ये जड़ों में किसी भी प्रकार का गांठ नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता? गांठ। इस कल्चर का प्रयोग क्यों हूँ? जौ, मक्का, बैगन, टमाटर, आलू एवं तिलहनी फसलों में करते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कुलो स्टेडियम। ये क्या होता है? ये एक पॉजिटिव बैक्टीरिया का जीन्स है। इस जीन्स में मानव रोग जनक शामिल है, जिसमें बोटुलिज्म और टेटनस के प्रेरक एजेंट शामिल होते हैं। तो आप इस इनको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं डी ऑप्शन के बारे में। डी ऑप्शन आपका क्या है? ये एक जीवाणु होता है। ये क्या होता है? एक जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस, जो स्त्रियों के योनि में तथा मानव के आहार नाल में पाया जाता है। दोस्तों इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 2018 में आए हुए क्वेश्चन पर। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? संवहन, चालन, क्वथन, वाष्पन। दोस्तों आइए समझते हैं हर एक ऑप्शन के बारे में। चलिए देखते हैं संवहन क्या होता है। उष्मा के हस्तांतरण या संचरण की एक विधि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? संवहन, कन्वेक्शन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं चालन आपका क्या होता है। चलिए एक और पॉइंट देख लेते हैं संवहन में। संवहन जो होता है, ठोस में संवहन संभव नहीं है, किंतु तरल पदार्थों में संवहन उष्मा के अंतरण की एक मुख्य विधि है। आप ये ध्यान रखेंगे संवहन कभी भी ठोस में नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं चालन। चालन के द्वारा उष्मा का जो ट्रांसफर होता है वो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा सभी अवस्थाओं में होती है। तो चालन तो फ्री है। अब आगे देखते हैं क्वथन क्या होता है आपका। क्वथन एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी यौगिक है ना वाष्प में बदलने लगे, वाष्पीकृत होने लगे, उसे क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वाष्पन। वाष्पन किसी द्रव के सतह की कणों का गैस में बदलने की प्रक्रिया है। मतलब भैया ये द्रव के जो सतह होते हैं ना उन कणों को है ना गैस में बदलने लगता है, वो आपका क्या होता है? वाष्पन होता है। इसी विधि के द्वारा घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं जब घड़े की सतह पर वाष्पन होता है तो जो उसकी दीवारें होती हैं वो ठंडा होने लगती हैं। इसी के चलते मटके का जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? डी ऑप्शन है, वाष्पन। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। एजुसेट क्या है? आइए समझते हैं एजुसेट के बारे में। यहां पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, शैक्षिक समिति, शैक्षिक उपग्रह, शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक प्रावर्धन। तो दोस्तों आइए समझते हैं एजुसेट क्या होता है। एजुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। यह उपग्रह सितंबर 2004 को भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV-F1 द्वारा भेजा गया था, प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों इसके बारे में और बात करें तो ये देश भर में शैक्षणिक सामग्री के संवितरण के लिए कक्षा को उपग्रह आधारित दो तरफा संचार उपलब्ध कराता है। यानी कि यहाँ से हम शैक्षिक सामग्री के लिए है ना संदेश का हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वहाँ पर हमें वो उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? बी ऑप्शन है, शैक्षिक उपग्रह। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र स्थित होता है।
ए ऑप्शन ऊपरी सतह पर, बी ऑप्शन निचली सतह पर, सी ऑप्शन डंठल पर, डी ऑप्शन पर्णधार पर। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि रंध्र क्या चीज होती है। दोस्तों ये जो रंध्र होता है, पत्तियां आप देखे हैं कि नहीं, जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र। उन्हीं के द्वारा जो गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकलती रहती हैं। तो अब ये बात कर रहे हैं पत्तियों में किस जगह पर पाया जाता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर बात करें जो पत्ते फ्लोटिंग पत्तियों, यानी कि जो पानी वानी में रहते हैं पौधों में, स्टोमेटा केवल ऊपरी एपिडर्मिस पर पाया जा सकता है। हमारे हमारे क्वेश्चन में फ्लोटिंग पत्तियों के बारे में तो कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बात समझना है, अगर फ्लोटिंग पत्ती कभी आ जाए तो हम बोल सकते हैं ऊपरी सतह में होता है, बट यहाँ पर हमें कुछ अलग बोल रखा है। जैसे अगर इसमें देखें और आगे, डूबते हुए पत्तियों में पूरी तरह से स्टोमेटा की क्या होती है, कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं पास कर पाता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल पाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं ये कहाँ पर पाया जाता है। अधिकांश वृक्ष प्रजातियों में केवल निचले पत्ते की सतह पर स्टोमेटा होता है। क्या होता है, स्टोमेटा होता है, रंध्र होता है, रंध्र जिसे कहते हैं। तो आपका जो यहां पर ऑप्शन है वो आपका क्या है, क्या है भाई, निचली सतह पर, बी ऑप्शन। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दाब अधिक होता है बैठने पर, एक पैर से खड़े होने पर, दोनों पैर से खड़े होने पर, लेटने पर। दोस्तों आइए समझते हैं दाब क्या है एक्चुअली में। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहां पर समझते हैं दाब का मान कब अधिक होगा, कब होगा, जब क्षेत्रफल का मान सबसे कम हो। आपको अगर फील करना है तो आप एक बार सुई पर बैठ के देखना, क्या होता है कि अगर एक सुई है तो यहां पर जो बल होता है ना, हम बल लगाएं तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है इसका जो नोक होता है बहुत कम होता है, यानी कि क्षेत्रफल जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, तो जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वहाँ पर हमें दर्द महसूस होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आप मैच करिए, ठीक है, कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया कम है, जहाँ पर एरिया सबसे ज़्यादा कम वहाँ पर प्रेशर अधिक होगा। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है, आई होप ये राइट है, एक पैर से खड़े होने पर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है, ए ऑप्शन रोटी, चीनी, नमक, कोयला। देखिए अगर आप यहां पर चारों ऑप्शन को देखें ध्यान से, तो यहां पर अगर आप चारों को जलाएं तो आप इसमें से देखिए किसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। तो अगर आप रोटी को जलाएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, धुआं मिलेगा। अगर चीनी जलाएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, धुआं। और कोयला जलाएंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, धुआं, यानी कि कालिक, है ना। यहाँ से भी आपको CO2 मिलने वाला है, यहाँ से भी मिलने वाला है, यहाँ से भी मिलने वाला, बट नमक जो होता है उसमें तो कार्बन होता ही नहीं, NaCl होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसमें कार्बन नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड। चलिए दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारे ये सेशन अच्छे लग रहे हों तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं 2017 में आए हुए क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा धारिता का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए कैलोरी पर सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन कैलोरी पर मीटर, सी ऑप्शन जल पर सेकंड, ये जूल है, डी ऑप्शन किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों आइए समझते हैं ऊष्मा धारिता क्या होता है, फिर उसके बाद हम देख लेंगे उनका मात्रक क्या है। दोस्तों ऊष्मा धारिता क्या होता है,
किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही उस पदार्थ की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं ऊष्मा के बारे में, तो यहां पर जो हमारा हीट होता है वो आपका होता है सी इंटू डेल्टा टी। अगर हम इस टेम्परेचर को 1 डिग्री कर दें तो आपका ये जो सी है ये आपका ऊष्मा धारिता है, तो ये ऊष्मा धारिता इस हीट के बराबर होगा। ऊष्मा की जो मात्रा है वो ऊष्मा धारिता की क्या होगी, बराबर होगी। उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा धारिता कहते हैं। अगर आप यहाँ पर इसका मात्रक निकालना चाहते हो तो सी बराबर एच अपान डेल्टा टी। देखिए एच का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है, और जो टेम्परेचर है उसका एसआई पद्धति में केल्विन होता है। तो दोस्तों इसका जो मात्रक आया है वो कैलोरी पर केल्विन आया है। अगर केल्विन नहीं है तो आप डिग्री सेंटीग्रेड लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है जूल पर केल्विन होता है, या कैलोरी पर सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कैलोरी पर सेंटीग्रेड लिख सकते हैं। अगर इस केल्विन को अगर हम सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो हम कैलोरी को जूल में लेना पड़ेगा मुझे, तो आपका क्या होगा, जूल पर सेंटीग्रेड होगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। कांडुआ रोग लगता है नींबू में, आलू में, गेहूं में, लौकी में। तो दोस्तों आइए समझते हैं कांडुआ रोग क्या होता है। दोस्तों कांडुआ जो रोग है वो आपका बहुत खतरनाक रोग है। यह रोग गन्ना की फसल हो या आपका गेहूं का हो या आपका धान का हो, ठीक है, उसमें क्या करता है, कल्ला पाइप के आकार निकलता है और अंदर काला चूर्ण एकत्रित हो जाता है और तने के परिपक्व होने पर वह फट जाता है। मतलब जो उसका तना होता है जब परिपक्व होता है तो वो क्या होता है, फट जाता है। अभी हम इनको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं और देखिए ये किसको प्रभावित करते हैं। यह हवा के साथ साथ खेत में फैलकर अन्य पौधे की पत्तियों पर बैठकर फसल को प्रभावित कर देते हैं। इससे 30-40% प्रभावित हो जाती है। मतलब अगर गन्ना की पहली फसल है तो 30-40% क्या होगी, बर्बाद हो जाएगी। अगर वही फसल दूसरे साल अगर हमें रखना है तो वो पूरी की पूरी प्रभावित हो जाएगी, बिना काम के वो हमारे लिए यूजलेस है। तो दोस्तों ये किसमें लगता है देखते हैं, धान की बालियों पर लगता है, गेहूं में लगता है, गन्ने में लगता है। आइए दोस्तों देखते हैं ये कैसे लगते हैं। आप यहाँ पर देखिए ये आपको गेहूं की बाली दिख रही है, यहाँ पर ये जो कांडुआ रोग है ये खा जाते हैं काले काले से, है ना, पाउडर के रूप में निकल जाते हैं। अगर ऐसे बात करें गन्ने में, आप देखिए ये जो गन्ना है यहाँ से जब काला पड़ जाता है तो गन्ना सूख जाता है, तो गन्ना हो नहीं पाता, जिससे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रतिजनन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है, ए ऑप्शन प्लाज्मा, बी ऑप्शन श्वेत रुधिर कणिका, सी ऑप्शन प्लेटलेट्स, डी ऑप्शन लाल रुधिर कणिका। दोस्तों अगर मैं बात करूं ये जो आपका प्रतिजनन है रुधिर कण का, ये चिपकी होती है श्वेत रुधिर कण का पर, किस पर, श्वेत रुधिर कण पर। दोस्तों इसको आप याद रखना, यहां पर जो आपका राइट आंसर हो आपका बी ऑप्शन है, क्या है, बी ऑप्शन है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबोत बल को कहते हैं, क्या कहते हैं। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है ऊर्जा, दाब, कार्य, आवेश। आइए दोस्तों समझते हैं हर एक का मतलब। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा आपका किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं भाई,
ऊर्जा कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। कोई भी आपका एनर्जी हो या ऊर्जा हो, हमेशा उसका जो मात्रक होता है वो जूल में होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दाब क्या है। आइए, दाब क्या है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को क्या कहते हैं, दाब। मान लो ये आपका एक क्षेत्रफल है, इस पर जो ऐसे बल लगता है अभिलंबवत, परपेंडिकुलर है ना, इस पॉइंट पर जो फोर्स महसूस हो रहा होगा वो आपका प्रेशर है। पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। इसका जो मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। यहां पर हमने लिख दिया इसका जो इकाई है, एसआई पद्धति में मात्रक है वो न्यूटन पर वर्ग मीटर है। और दाब कौन सी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है, ये भी खास बात है। चलिए बात करते हैं कार्य क्या होता है, बड़ा ईजी है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु में कुछ विस्थापन हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा वो आगे बढ़ जाता है। तो उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा उत्पन्न विस्थापन, जो उत्पन्न होता है विस्थापन, उसका अगर अदिश गुणन कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखें, W बराबर बल इंटू विस्थापन। S क्या है, विस्थापन है, F आपका बल है। तो यहाँ पे जो कार्य है वो आपका वर्क है। इसका जो मात्रक होता है वो भी आपका क्या होता है, जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है भाई। आइए बात करते हैं आवेश, बड़ा जबरदस्त पॉइंट। आवेश क्या है, आवेश एक आपका क्या है, भौतिक राशि है जो क्या करता है, फील करता है या प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है किसको, चुंबकीय और वैद्युत के प्रभाव को, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको ये चारों पॉइंट्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, दाब है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त करते हैं लकड़ी का कोयला, सुगर चारकोल, चंद चारकोल, लैंप ब्लैक। दोस्तों आइए बात करते हैं गन्ने के रस को कैसे रंगहीन किया जाता है। अगर आप इसकी सच्चाई सुनेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे और कल से आप चीनी या आज से चीनी खाना बंद कर देंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों, गन्ने की चीनी बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने का रस निकाला जाता है, ये तो सब जानते हैं। अब इस चीनी को बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं, रस में है ना सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड आदि मिलाकर रिफाइन किया जाता है। ठीक है, इनको हम क्या कर देते हैं भाई, डाल करके रिफाइन करते हैं। याद रखना, अगर रिफाइन करने के लिए बात आए रस में तो ये याद रखना आप, सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरिक एसिड दोस्तों। और आगे बात करते हैं, और जब इनके रंग की बात आती है, रंग को साफ करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें जानवर की हड्डियों से बने कोयले, भैया इसको ध्यान से सुनो, जानवर की हड्डियों से बने कोयले द्वारा साफ किया जाता है। अरे भाई साहब ये ध्यान रखेंगे, यानी कि जंतु की जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों को बोलते हैं चारकोल या कोयला बोल सकते हो आप, है ना। तो इससे आपका साफ होता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो आपका ऑप्शन है वो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, जंतु चारकोल। दोस्तों इसमें एक और पॉइंट बात कर लेते हैं, इस चीनी रूपी उत्पाद में सिर्फ क्या रह जाता है, ग्लूकोज, यानी कि जब इस हड्डी से बने यानी कि जंतु चारकोल द्वारा साफ कर लिया जाता है तो उसमें सब चीज निकल जाते हैं जो भी इसमें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी इसमें होते हैं वो सब निकल जाते हैं, केवल इसमें बचता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक एनर्जी का काम करता है दोस्तों। बात करते हैं 2016 में आए हुए क्वेश्चनों पर। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला है, CH4, C2H6, C2H4, C2H2। तो दोस्तों आइए समझते हैं
एसिटिलीन क्या होता है? चलिए दोस्तों देखते हैं एसिटिलीन के बारे में। एसिटिलीन, एसिटिलीन का एक नाम है जो इसका आईपीएक नेम होता है आईपीएसी, वो आपका एथीन होता है। ये एक रासायनिक यौगिक है दोस्तों, जिसका अणुसूत्र होता है C2H2। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C2H2 है दोस्तों। आगे देखते हैं, यह एक हाइड्रोकार्बन है और सबसे सरल एल्कीन है। एल्कीन में सबसे सरल ये आपका हाइड्रोकार्बन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर, एथाइलीन C2H4 आप इसकी बात हो रही है। इथाइलीन ये क्या होता है? इसका जो नाम है वो आपका इथाइलीन है, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है साधारण CnH2n होता है दोस्तों, इसको हम ध्यान रखेंगे। बात करते हैं इसके आईपीएसी नेम पर, इसका जो आईपीएसी नेम है वो इथीन है। क्या है? इथीन। क्या है? इथीन। दोस्तों आगे देखते हैं, मीथेन क्या होता है? मीथेन आपका, मीथेन में एक कार्बन होते हैं। ये एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य क्या है भाई? घटक है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका CH4 होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये सबसे, इस श्रेणी का सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनता है उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, सीधा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। दोस्तों इसको अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए इसके लिए एक हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये वस्तु है, ए और बी एक क्या है? वस्तु है। ये आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है। और ये आपका फोकस है, फोकस के बीच में रखा हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में रखिए एक वस्तु को। ये आपका क्या है? वस्तु है। और इसका हमें इमेज निकालना है, प्रतिबिंब किधर आएगा। तो हम क्या करेंगे, दो लाइट पास करेंगे। किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम दो लाइट पास करना जरूरी होता है। हम पहला लाइट पास करते हैं समांतर मुख अक्ष के, ये आपका मुख अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर समांतर पास करते हैं तो रूल होता है वो हमेशा फोकस से होके जाता है। और जब कोई दूसरी लाइट है ना हम डालते हैं फोकस पर, तो जब भी कोई लाइट फोकस पर डाली जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के है ना पैरेलल चली जाती है, समांतर चली जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन टू लाइट जहां पर कट करती हैं वहां पर आपका क्या बनता है? इमेज। क्या बनता है? इमेज। तो ये आपका ए डैश होगा, ये बी डैश होगा। आइए समझते हैं इनके प्रतिबिंब के बारे में। देखिए ये पहली बात तो उल्टा बना है। अगर मान ली ये एक आदमी है तो इस आदमी का जो फेस होगा वो नीचे की तरफ होगा, उल्टा होगा। सेकेंड बात, जिधर आदमी है उधर ही आपका इमेज बन जाए तो उसको वास्तविक कहते हैं। अगर इस दर्पण के पीछे बनता तो आपका आभासी होता। और आप यहां पर देख सकते हैं डायग्राम में, वस्तु से ये जो इमेज है बड़ा है, यानी कि इसका जो स्थिति है वो वक्रता केंद्र से पीछे है, उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु से बड़ा है। तो आप यहां पर बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही है। आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। दोस्तों थर्ड नंबर, हरित लवक रहित पौधा का समूह है, शैवाल, कवक, अनावृत बीजी, उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको अगर थोड़ा सा याद हो 2019 में एक क्वेश्चन आया था सेम इसी टाइप का, तो शायद आपको थोड़ा समझ में आ जाए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए आपको हम बताते हैं। हरित लवक वनस्पति कोशिका में
वनस्पति बताया था या शैवालवीय कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपका ऑप्शन क्या है। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, इसको हम रिपीट कर रहे हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जी दोस्तों, और यहाँ पर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। ए ऑप्शन आवर्तकाल, बी ऑप्शन आयाम, सी ऑप्शन आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आइए एक एनिमेशन सिमुलेशन से समझते हैं पॉइंट। दोस्तों अगर बात करें आवर्तकाल क्या होता है, देखिए आवर्तकाल जो होता है किसी भी, ठीक है, किसी भी कोई बॉडी अगर घूर्णन कर रही है तो उसको एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। अगर हमें आयाम और आवृत्ति के बारे में समझना है तो हम आगे देखते हैं। आपको यहाँ पर बता दें आयाम जो होता है वो किसी भी तरंग का जो उच्चतम हाईएस्ट पॉइंट होता है वो आपका आयाम होता है, और आवृत्ति क्या होती है, एक संख्या होती है, एक सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है। प्रति सेकंड में कंपनों की जो संख्या होती है वही आपकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। जैसे अगर हम देखना चाहें इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आपका तरंग है। अच्छा यहाँ पर ये समझिए, ये जो चीज़ है ये आपका आयाम होता है। क्या होता है, आयाम, आयाम होता है। आवर्तकाल क्या है ना, देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना वो 0 से 1 सेकंड के बीच में बना है। इसमें ये कह रहा है कि 1 सेकंड में वो जितनी बार ऐसे ऐसे चक्कर कर ले जाए, है ना, जितनी बार कंपन कर ले जाए, एक रस्सी है भाई, जितनी कंपन कर ले जाए वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। जी दोस्तों आपको शायद क्लियर हुआ होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 सेकंड में ये 5 केवल कर रहा है कंपन, मतलब 5 बार अप डाउन हो रहा है पूरा एक कंप्लीट। तो यहाँ पर जो आयाम है वो कितना है, आयाम नहीं, आपका जो आवृत्ति है वो आपका कितना है, 5 हर्ट्स। अच्छा आप ध्यान रखेंगे आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्स होता है, Hz। दोस्तों अगर बात करें आवर्तकाल, तो आवर्तकाल क्या है कि एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वो आपका क्या होता है, एक आवर्तकाल है। जैसे एक सिंपल पेंडुलम है तो उसको एक बार पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, सी ऑप्शन चारों दिशा में, किसी दिशा में नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, वायु दाब आरोपित करता है केवल ऊपर की दिशा में, नीचे की दिशा में, चारों दिशा में, किसी दिशा में नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हम अभी कुछ देर में बात करते हैं, पहले इनके कुछ पॉइंट देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। जैसे आप यहाँ पर देखिए, वायु के भार के कारण पृथ्वी पर जो दाब पड़ता है या दबाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। और ये कैसे लगता है इसको आप देखिए, हवा के इस दाब को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। अच्छा थोड़ा सा इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिए, दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है वो आपका क्या होता है, बैरोमीटर होता है। जी आइए देखिए, पृथ्वी के चारों ओर और कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चारों तरफ से बात हो रही है तक वायु का आवरण फैला है, वायु के इस आवरण का धरातल पर भारी दाब पड़ता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो वायु दाब आरोपित होती है वो ना ऊपर से ना नीचे से, वो चारों दिशाओं से होती है।
तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, सी ऑप्शन है सही। चलिए दोस्तों दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।